अस्सलाम वालेकुम जी, फियाज रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा इधर केस के हवाले से, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट है इस केस में जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। SHO रघुपुरा पुलिस स्टेशन के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट है। सीमा इधर के केस मुकदमा नंबर 159 में, जिसमें एक इलीगल ट्रेसपासर इसको डिक्लेयर किया गया है और जिसमें ये खातून अरेस्ट हुई, उस मुकदमे के हवाले से बात करेंगे। SHO रघुपुरा पुलिस स्टेशन को जो है वो कोर्ट ने तलब कर लिया, अदालत ने तलब कर लिया, 7-2 के लिए इन पर्सन जाती हैसियत में तलब कर लिया। SHO रघुपुरा पुलिस स्टेशन को जाती हैसियत में क्या नौबत आई कि अदालत ने इसको जाती हैसियत में तलब कर लिया, थ्रू एडवोकेट नहीं, इन पर्सन खुद हाजिर होकर जवाब देने का हुक्म दिया। क्या वजह बनी, क्यों तलब किया, इतना सख्त ऑर्डर कोर्ट ने SHO रघुपुरा पुलिस स्टेशन के अगेंस्ट क्यों किया? और आज की मेरी वीडियो का थंबनेल भी यही है कि 5 ईयर पनिशमेंट, 5 ईयर पनिशमेंट टू डी SHO रघुपुरा। मैंने ये वीडियो का थंबनेल क्यों लगाया, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि सीमा हैदर जो कि एक इलीगल ट्रेसपासर है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दीगर ऑफेंसेज में इन्वॉल्व है, जिसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो बेनकाब हो रहा है, जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील और दीगर लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी बड़ी शख्सियात इन्वॉल्व हैं, जिसमें फाइनली मोमिन मलिक साहब अभी नेपाल पहुंचे हुए हैं, जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं, जो कि बच्चों की वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नेपाल पहुंचे हुए हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट सम प्रीशियस एविडेंस। वहां पे भी उन्हें खबर मिली है कि वहां पे भी बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने फेक आधार कार्ड बनाने में, फेक आईडी कार्ड बनाने में इसकी हेल्प की। तो उस हवाले से भी मोहन मलिक साहब जो हैं वो अभी नेपाल में पहुंचे हुए हैं, और वहां पे जाके भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो डिस्क्लोज करेंगे, और वो भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। बहरहाल ये एक बात क्लियर होगी कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस हवाले से मोमिन मलिक साहब ने बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयाँ की, मोर देन तकरीबन आप कह लें कि राउंड अबाउट 13 केसेस से भी ज़्यादा केसेस अभी तक मोमिन मलिक साहब फाइल कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस हैं। एक एप्लीकेशन मोमिन मलिक साहब ने 20 सेक्शंस जिसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं वो फाइल की थी बिफोर SHO रघुपुरा पुलिस स्टेशन, जिसमें उन्होंने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बल्कि वो एप्लीकेशन रिसीव करने से ही इनकार कर दिया था। उस एप्लीकेशन के हवाले से मोमिन मलिक साहब ने 56-3 की कार्रवाई, जबकि पुलिस स्टेशन रिफ्यूज, पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज करे किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई करने के हवाले से, देन पुलिस के पास और देन वकील के पास या साइल के पास एक रेमेडी होती है कि वो कोर्ट से जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के ऑर्डर ले। तो उस पर मोमिन मलिक साहब ने 56-3 की कार्रवाई करते हुए वो भी मामला चलाया हुआ था। बहरहाल सीमा हैदर ने बेल हासिल करने के बाद जिस तरह से भारत के निजाम का मजाक उड़ाया, जिस तरह से अदालती प्रोसीडिंग का मजाक उड़ाया, जिस तरह से अदालती प्रोसीडिंग को चीट किया, जिस तरह से कंप्लेनेंट जो स्टेट का केस है उसको मुतासर किया, कंप्लेनेंट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की, भारतीय सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने की कोशिश की, दो तरफा ममालिक के ताल्लुकात खराब करवाने की कोशिश की, और जिस तरह से एक प्रोपोगंडा एक सीनियर एडवोकेट मोमिन मलिक के अगेंस्ट रचा, और जिस तरह से बच्चों का रिलीजन चेंज करवाया, और जिस तरह से एक जाली शादी का ड्रामा किया, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, एक बहुत बड़ी कॉन्स्परेसी रचाई, जिसमें के बहुत बड़ा खदशा था कि इसमें जो है वो एक आगे जाके बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। उन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए मोमिन मलिक साहब ने अदालत का सहारा लिया और केसेस फाइल किए, जिसमें SHO रघुपुरा को अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया कि जब इतने सारे कानून मौजूद हैं, इतनी सारी एप्लीकेशन मौजूद हैं, तो उसने एक्शन क्यों नहीं ले लिया, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की, नए मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किए, सोशल मीडिया पे जो एक वल्गैरिटी फैलाई जा रही है उसको क्यों नहीं रोका, सोशल मीडिया पे जो एक कॉन्स्परेसी सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है उसको क्यों नहीं रोका। तो इसमें फाइनली मोमिन मलिक साहब की पिटीशन को अदालत ने एक्सेप्ट किया, और आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ मोमिन मलिक, एक बहुत बड़ी जबरदस्त किस्म की अपडेट इस केस में ये हुई कि SHO रघुपुरा पुलिस स्टेशन को 7-7 के लिए जो है वो तलब, 7-2-7 के लिए तलब किया इन पर्सन। अगर वो जाती हैसियत में पेश ना हुए तो मैं आपको बताऊं कि उनके अरेस्ट वारंट अदालत निकालेगी और ये ऑर्डर करेगी टू डी हेड ऑफ पुलिस ऑफ नोएडा पुलिस के इसको अरेस्ट करके पेश करें, या फिर जो कोर्ट की पुलिस होती है PELF उसके जरिए इसको अरेस्ट करके पेश करें ताकि मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो अब फाइनली SHO रघुपुरा को जो है वो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और सीमा इधर के अगेंस्ट कार्रवाई भी करनी पड़ेगी,
और इसका सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद करने पड़ेंगे, और जो 20 सेक्शन वाली एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चार्जशीट भी फाइल करनी पड़ेगी, और बहुत सारे मामला जो पेंडिंग थे उन सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। बसूरत दीगर अरेस्ट वारंट निकलेंगे, जेल में जाएंगे, ट्रबल होगी और 5 ईयर तक पनिशमेंट भी हो सकती है। तो यही वजह थी कि आज की मेरी वीडियो का जो थंबनेल मैंने लगाया था कि 5 ईयर तक पनिशमेंट हो सकती है, उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही थी। और मैं आपको बताऊं कि ये केस अब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है, और दाखिल में दाखिल हो चुका है, और मुझे फाइनली बतौर एन एडवोकेट पाकिस्तान में बैठे हुए इस केस को, क्योंकि एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, ऑब्जर्व करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है, और मोमिन मलिक साहब की जो कार्रवाई उस पर भी बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन इसमें मैं साथ ही साथ, हम बहुत देर से पहले हम कह रहे थे कि मोमिन मलिक को डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करनी होगी, उन्होंने वो कंप्लेंट भी फाइल की है, और अब फाइनली मोमिन मलिक साहब दिखा रहे हैं कि एक वकील जब किसी मामले को सीरियस लेता है तो उसमें वो कैसे पेशरफ्त करता है और कैसे देखते हैं। अभी ये जो मामला है मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट हो गया है, वो स्टेट को भी डील कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर को भी डील कर रहे हैं, गुंडा एलिमेंट्स को भी फेस कर रहे हैं, और इसको सारा इस सारी मामले में फाइनली मैं लास्ट में ये बात करूंगा कि हैदर का डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी पूरा हो गया, वो भी बाहर जा रहा है, और बहुत जल्द उसके बच्चे जो हैं वो उसको मिलेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और मैं भी इस पर अब रेगुलरली वीडियोस और लाइव सेशंस पहले की तरह करता रहूंगा। आप सब लोगों की मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।